इस रिसोर्ट का नाम है इको हट रिसोर्ट। ये सुल्खापारा से 5 किलोमीटर ईस्ट में पड़ता है। यहाँ पे आने के लिए आपको सिलीगुड़ी से नगराकाटा स्टेशन आना पड़ेगा और वहाँ से नगराकाटा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक दृश्य है यहाँ पे, जो कि इसके चारों ओर आपको देखने को मिलेगा। ये इस तरफ जोलढाका रिवर है। यहाँ पे कॉटेज भी है। यहाँ पे कॉटेज का पर नाइट का रेंट लगभग 2000 रुपए है, लंच और डिनर को छोड़कर वो आपको पे करना पड़ेगा। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कितना मनमोहक दृश्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही शांति है, पीस है, चारों तरफ शांति ही शांति लग रहा है। जो नेचर लवर हैं, जो नेचर को पसंद करते हैं, उनके लिए काफी अच्छा है। ये हमारे मित्र विकास दा हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, डालेंगे यूट्यूब पे, डालेंगे फेसबुक में, यूट्यूब में, सब जगह आपका भी आएगा। ये हमारे मित्र हैं विकास दा, जो कि इन्हीं के माध्यम से यहाँ पे आया गया है। और आइए इनसे पूछते हैं इको हट रिसोर्ट के बारे में, इनको कैसा लगा बताइए सर। इको हट रिसोर्ट आपको कैसा लगा? अच्छा है, हमारा अच्छा लगा बहुत। यहाँ का जो मालिक है सुब्रत दा, वो नोएडा का आदमी है, बहुत कोऑपरेशन आदमी है जी। जो भी गेस्ट आते हैं यहाँ सबको कोऑपरेट करते हैं। अच्छा खाना पीना भी यहाँ का अच्छा है, यहाँ का जो स्टाफ है उन लोग का व्यवहार भी बहुत अच्छा है जी। और ये कॉटेज और ये सामने व्यू है, जलढका रिवर है जी, इस तरफ सुंदर व्यू है इस तरफ। हाँ अभी थोड़ा फॉग का लिए इसको अच्छी हो गए, लेकिन जब सन और उठेंगे तो अच्छा बहुत लगेंगे देखने के लिए। तो आप यहाँ क्या यहाँ पे नाइट होल्ड किए हैं या एक्सपीरियंस किए हैं यहाँ पे? मेरा दोस्त लोग भी नाइट किए हैं। अच्छा। सारी कभी कभी कोई बर्थडे पार्टी भी है मना देते हैं, कोई उनको बताते हैं अपना जान पहचान दोस्त लोग, उनका घर का फैमिली का किसी का बर्थडे होता है तो यहाँ मना देते हैं। अच्छा यहाँ पे जो स्टाफ सर्व वगैरह करते हैं उन लोगों का कैसा? उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। अच्छा कभी भी अच्छी नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते जी, वो और पार्टी से भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। जिन लोग यहाँ से गाए वही लोग बताते हैं, जैसे अभी आप जो रिसोर्ट हमको लेके आए
बहुत अच्छा लगे। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, थैंक यू।